दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बियर, रम, विस्की, वाइन, जिन, स्कॉच, सैम्पेन, ब्रांडी, बर्बन, फेनी और टकीला, इन सब में क्या डिफरेंस होता है? ये सभी लिकर का ही एक रूप है। इन सभी का इसमें मिली सामग्री, अल्कोहल की मात्रा और जगह के हिसाब से अलग अलग नाम, रूप, रंग और स्वाद होता है। तो आज फाइनली जान लो कि अलग अलग ड्रिंक्स मतलब शराब में क्या अंतर होता है। इंडिया में लिकर को शराब, दारू, मदिरा, सोमरस इन नामों से जाना जाता है। ये सभी अल्कोहलिक ड्रिंक में से एक हैं। शराब को बनाने के लिए कई अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि मक्का, गेहूं, फल, जौ, गन्ना इत्यादि। अलग अलग शराब बनाने के लिए अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो शुरू करते हैं। बियर। बियर दुनिया में सबसे पुरानी और सबसे ज़्यादा कंज्यूम करने वाली अल्कोहलिक ड्रिंक में से एक है और पानी और चाय के बाद तीसरा सबसे लोकप्रिय ड्रिंक है। बियर में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्री है माल्टेड बार्ली और गेहूं। बियर बनाने की प्रक्रिया को ब्रूइंग कहते हैं। बियर बनाने की सबसे कॉमन प्रक्रिया है माल्टेड बार्ली का फर्मेंटेशन, जो स्टार्च के फर्मेंटेशन द्वारा निर्मित होता है, जो मुख्य रूप से सीरियल ग्रेन से प्राप्त होता है, आमतौर पर माल्टेड जौ से। हालांकि गेहूं, मक्का, मकई, चावल और जई का भी उपयोग किया जाता है। अधिकांश आधुनिक बियर हॉप्स के साथ बनाई जाती है, जो कड़वाहट और अन्य स्वादों को जोड़ता है और एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। अन्य स्वाद के लिए हॉप्स का या फ्रूट्स को भी शामिल किया जाता है या हॉप्स के बजाय उपयोग किया जाता है। इसके बाद इसको बनाने में 1 से 2 सप्ताह का समय लगता है। बियर में 4 से 6% तक एल्कोहल होता है, जो 30% तक भी हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि एक मानक बियर में 5% से ABV होता है? खैर, आपके आश्चर्य के लिए भारत में बियर ब्रांड हैं जो 7% से अधिक ABV की अल्कोहल सामग्री प्रदान करते हैं। बियर 2 तरह की होती है, लाइट बियर और स्ट्रॉन्ग बियर। लाइट बियर में 4% और स्ट्रॉन्ग बियर में 8% या उससे ज़्यादा अल्कोहल होता है। जर्मन बियर दुनिया में सबसे बेस्ट क्वालिटी की बियर मानी जाती है। 3000 BC यानी कि 3000 ईसा पूर्व में जर्मनिक और सेल्टिक जनजातियों द्वारा पूरे यूरोप में बियर का प्रसार किया गया था और इसे मुख्य रूप से घरेलू स्तर पर बनाया गया था। वाइन। वाइन में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्री है फ्रूट। वाइन एक अल्कोहलिक ड्रिंक है जो आमतौर पर फर्मेंटेड ग्रेप्स यानी अंगूर से तैयार की जाती है। यीस्ट अंगूर में मौजूद शुगर को कंज्यूम करके उसे एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और गर्मी में बदल देता है। अंगूर की किस्मों के आधार पर वाइन की डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी पाई जाती है। वाइन बनाने के लिए फलों के रस का फर्मेंटेशन किया जाता है। वाइन में अल्कोहल की मात्रा 5 से 20% तक होती है। वाइन मुख्य रूप से 2 तरह की होती है, रेड वाइन एंड वाइट वाइन। वाइन का उत्पादन हजारों सालों से होता आ रहा है। वाइन का सबसे पहला प्रमाण 7000 ईसा पूर्व प्राचीन चीन से मिलता है। उसके बाद जॉर्जिया 6000 ईसा पूर्व, पर्सिया, ईरान 5000 ईसा पूर्व और इटली 4000 ईसा पूर्व में भी मिला था। लेकिन यह मुख्य रूप से विनलैंड के बाद के वाइकिंग क्षेत्र और न्यू स्पेन में स्पेनिश परंपराओं से जुड़ा है। आज सबसे बड़ा वाइन उत्पादक क्षेत्र वाले 5 देश हैं, इटली, स्पेन, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स और चीन। विस्की। विस्की शब्द आयरिश वर्ड इसके बहा से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है वाटर ऑफ लाइफ। विस्की फर्मेंटेड ग्रेन मैश यानी किण्वित अनाज से बना एक प्रकार का डिस्टिल्ड एल्कोहलिक बेवरेज यानी आसुत मादक पेय है। विस्की बनाने के लिए जौ, मक्का, राई और गेहूं सहित विभिन्न किस्मों के लिए विभिन्न अनाज का उपयोग किया जाता है जो मॉल्ट किए जा सकते हैं। विस्की आमतौर पर लकड़ी के पीपे यानी वुडन कास्क में मैच्योर होती है, जो अक्सर पुराने सेरी पीपे होते हैं या जले हुए सफ़ेद ओक से भी बने हो सकते हैं। विस्की में 30 से 65% तक अल्कोहल होता है और एवरेज 43% तक अल्कोहल होता है। अधिकांश अनाज उगाने वाले क्षेत्रों में विस्की या विस्की जैसे उत्पादों का उत्पादन किया जाता है। विस्की को स्कॉटलैंड में बने उत्पादों में सबसे अच्छी तरह से जाना जाता है। स्कॉटलैंड में बनी विस्की को स्कॉच कहते हैं। मुख्य रूप से विस्की 2 तरह की होती है, माल्टेड विस्की एंड ग्रेन विस्की। माल्ट विस्की मुख्य रूप से अंकुरित अनाज से बनाई जाती है, जो अच्छी और महंगी होती है।
और ग्रेन विस्की बिना अंकुरित हुए अनाज से बनाई जाती है। कहा जाता है कि विस्की मॉन्क्स की देन है। इंग्लैंड के राजा हेनरी एट ने मोनेस्ट्रीज को तोड़ दिया और अपने भिक्षुओं को आम जनता में भेज दिया, मॉन्क्स को अपने लिए पैसे कमाने का रास्ता खोजने की जरूरत के रूप में। विस्की उत्पादन एक मोनेस्टिक सेटिंग से निजी घरों और खेतों में लाना पड़ा। ब्रैंडी। ब्रैंडी को जली हुई शराब भी कहते हैं। ब्रैंडी बनाने के लिए अंगूर, सेब, पीच, चेरी, पुलम का उपयोग किया जाता है, या यूं कहें कि ब्रैंडी को वाइन का डिस्टिलेशन करके बनाया जाता है। ब्रैंडी में आमतौर पर मात्रा के हिसाब से 35 से 60% अल्कोहल होता है और आमतौर पर इसका सेवन रात को खाने के बाद किया जाता है। कुछ ब्रांडी के कास्क में मैच्योर होती है। इसमें कम से कम 2 साल का समय लगता है। हालांकि मार्केट में बहुत सी कंपनी उम्र बढ़ने के प्रभाव की नकल करने के लिए कैरेमल रंग का यूज करते हैं। कॉन्याक और अर्मेनियाक एक विशिष्ट प्रकार की ब्रांडी है जो दक्षिणी पश्चिम फ्रांस के कॉन्याक और अर्मेनियाक शहर में बनती है। सैम्पेन। ये एक प्रकार की स्पार्कलिंग वाइन है। सैम्पेन मुख्य रूप से 3 किस्म के अंगूर से बनता है, सार्डोनी, पिनट नोयर और पिनट मैन्योर। सैम्पेन बनाने की मेथड को मेथोडिस सैम्पेनोइस कहते हैं। सैम्पेन को अंगूर की सेकेंडरी फर्मेंटेशन से बनाया जाता है जिससे इसमें एक फिज आता है। सैम्पेन में अल्कोहल की मात्रा 12.2% होती है। इस ड्रिंक की शुरुआत फ्रांस के एक शहर सैम्पेन से हुई थी, या यूं कहे कि सैम्पेन को सैम्पेन तभी कहेंगे जब वो सैम्पेन रीजन में बनी हो। इसी तरह स्पेन में बनी सैम्पेन को या स्पार्कलिंग वाइन को कावा कहते हैं। इटली में बनी हुई स्पार्कलिंग वाइन को प्रोसेको कहते हैं। बर्बन। बर्बन विस्की एक अमेरिकन विस्की है। इसमें कम से कम 51% तक भुट्टा होता है। दूसरे ग्रेन्स भी इसमें शामिल होते हैं जैसे कि मॉल्टेड बार्ली, जौ, राई इत्यादि। 90% बर्बन विस्की अमेरिका के कैंटकी में ही बनती है और बाकी अमेरिका के अदर सिटीज में बनती है। इसमें मिनिमम 40% अल्कोहल होता है। बर्बन विस्की में कोई स्पेसिफाइड एज ड्यूरेशन नहीं होता है। कम से कम 3 मंथ में ये तैयार हो जाती है। कैंटकी स्टेट बर्बन विस्की में 2 से 4 साल का समय लगता है। स्कॉच। सभी स्कॉच विस्की मूल रूप से माल्टेड जौ से बनाई जाती है। 18वीं सदी के अंत में कमर्शियल डिस्टिलरीज ने गेहूं और राई से बनी स्कॉच विस्की की शुरुआत की। स्कॉच एक तरह की विस्की है जिसे स्कॉटलैंड में बनाया जाता है। स्कॉच विस्की को ओक कास्क में कम से कम 3 साल के लिए रखा जाता है। 2020 तक स्कॉटलैंड में 134 स्कॉच विस्की या भट्टियां चल रही थी। स्कॉच विस्की को आमतौर पर 40% से 43% ABV यानी अल्कोहल बाय वॉल्यूम पर बोतल बंद किया जाता है। वोडका। वोडका एक यूरोपियन क्लियर डिस्टिल्ड अल्कोहलिक बेवरेज है। वोडका एक पारदर्शी और लगभग स्वादहीन शराब होती है। वोडका एक नेचुरल स्पिरिट है। वोडका की विभिन्न किस्मों की उत्पत्ति पोलैंड, रूस और स्वीडन में हुई। वोडका मुख्य रूप से पानी और इथेनॉल से बना होता है, लेकिन कभी कभी अशुद्धियों और स्वाद के निशान के साथ परंपरागत रूप से इसे किण्वित अनाज के दानों से तरल आसवन द्वारा बनाया जाता है। कुछ समय से आलू का उपयोग भी किया जा रहा है और कुछ आधुनिक ब्रांड फलों, शहद या मेपल सैप का आधार के रूप में उपयोग करते हैं। वोडका में इस्तेमाल की जाने वाली मुख्य सामग्री है गेहूं, जौ, राय, अंगूर, आलू, ग्रेन मैस या फिर आलू से प्राप्त स्टार्च को फर्मेंट करके डिस्टिल किया जाता है और इस तरह से वोडका बनती है। इसमें अल्कोहल की मात्रा 40 से 60% तक होती है। जिन। ये डिस्टिल स्पिरिट है जिसका स्वाद काफी अलग होता है। वजह, जूनिपर बेरीज। जिन को बनाने के लिए पहले ग्रेन मैस को डिस्टिल किया जाता है। इसके बाद उसे बोटेनिकल्स जैसे कि कोरिएंडर, एंजेलिका, लेमन, ऑरेंज, ऑरिस रूट और कैडामम और जूनिपर बेरीज के साथ फिर से डिस्टिल किया जाता है। अंग्रेजी और अमेरिकी जिन्स को शुद्ध मॉल्ट वाइन से डिस्टिल किया जाता है जो बिना स्वाद या सुगंध के लगभग न्यूट्रल स्पिरिट का उत्पादन करने के लिए होता है जिसमें अल्कोहल की मात्रा 90 से 94% होती है। टकीला। टकीला का जन्म मैक्सिको में हुआ। इसे बनाने के लिए
ब्लू अगेव पौधे का डिस्टिल किया जाता है जो मैक्सिको में ही पैदा होता है। टकीला में अल्कोहल की मात्रा 40% यानी 40% ABV अल्कोहल बाई वॉल्यूम होती है। टकीला ब्लू एगेव प्लांट से बना एक आसुत पेय है जो मुख्य रूप से ग्वालजारा के उत्तर पश्चिम में टकीला शहर के 65 किलोमीटर के आसपास के क्षेत्र में और मध्य पश्चिमी मैक्सिकन राज्य जलिस्को के जलिस्कन हाईलैंड्स लॉस अल्टोस डी जलिस्को में पाया जाता है। टकीला के क्षेत्र में लाल ज्वालामुखी मिट्टी ब्लू एगेव को उगाने के लिए अच्छी तरह से अनुकूल है और हर साल 300 मिलियन से अधिक पौधों की कटाई की जाती है। टकीला का उत्पादन पहली बार 16वीं शताब्दी में टकीला शहर के पास हुआ था, जिसे आधिकारिक तौर पर 1666 तक स्थापित नहीं किया गया था। एगेव प्लांट से एक किण्वित पेय जिसे पुल्क के रूप में जाना जाता है यूरोपीय संपर्क से पहले पूर्व कोलंबियाई मध्य मैक्सिको में खाया जाता था। फेनी, फेनी भारतीय राज्य गोवा में बनती है। इसे बनाने में काजू और नारियल का इस्तेमाल किया जाता है। मूल सामग्री के आधार पर दो सबसे लोकप्रिय प्रकार की फेनी, काजू फेनी जिसे कैस्यू फेनी और ताड़ी पाम फेनी जिसे टोडी पाम फेनी कहते हैं। हालांकि कई अन्य किस्में भी बेची जाती हैं। फेनी में अल्कोहल की मात्रा 43 से 45% होती है जो इस पेय को बहुत मजबूत और स्मेली बनाती है। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये सभी शराब का ही रूप है जो अलग अलग जगह में अलग अलग सामग्री जैसे कि ग्रेन्स, फ्रूट्स, बाली, हर्ब्स, शुगर कैन के फर्मेंटेशन और डिस्टिलेशन द्वारा बनाई जाती हैं। तो दोस्तों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि बियर, रम, विस्की, वाइन, जिन, स्कॉच, शैम्पेन, ब्रांडी, बर्बन, फेनी और टकीला, इन सब में क्या डिफरेंस होता है। लगता है ज़्यादा ही हो गई वीडियो। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन लिकर के बारे में भी एक वीडियो बनाएं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो और इसमें दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। ऐसे ही और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिस्ट्रोमैटिक। धन्यवाद।